आपको लगता है पॉलिटिशियंस झूठ बोलते हैं? नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। अरे व्हाट नॉनसेंस, ये नॉनसेंस नहीं है भाई। हमें लगता है कि नेता लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनका काम सच बोलकर ही चल जाता है। सवाल ये है कि वो कौन सा वाला सच बोल रहे हैं, वो सच जो आप सुनना चाहते हैं या फिर वो वाला सच जो वो आपको सुनाना चाहते हैं। ग्रेजुएट है, बीए पास है, नौकरी के लिए घूमता रहता 10 साल से, और 10 साल वो गाय पाल लेता तो अपने आप 10 लाख का उसके पास बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। मसलन आप अपने इलाके के विधायक से मिले और आपने कहा कि भैया जी ये बिजली की बड़ी समस्या है, कुछ कीजिए, तो वो आपसे कहेंगे अरे वो छोड़ो, ये सड़कें देखो क्या मक्खन जैसी बना दी, एकदम न्यूयॉर्क टाइप। हो सकता है कि विधायक सच बोल रहे हो और आपके इलाके की सड़कें अच्छी बन गई हो, मतलब न्यूयॉर्क जैसी नहीं पर ठीक ठाक, लेकिन आप तो उनसे बिजली की बात करने गए थे। सच और झूठ के इस कॉकटेल को साइकोलॉजिस्ट ने एक टर्म दिया है जिसे कहते हैं पाल्टरिंग। पाल्टरिंग यानी सच और झूठ के बीच का रास्ता, जब आप पूरी तरह सच नहीं बोलते लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं बोल रहे होते हैं। जैसे कि मिस्टर इंडिया में जब श्रीदेवी अनिल कपूर के घर जाती है और उससे पूछती है तुम्हारे कोई बच्चे बच्चे तो नहीं है, तो अनिल कपूर कहता है नहीं मेरे कोई बच्चे नहीं है। वो सच ही कह रहा होता है क्योंकि उस घर में जो बच्चे रहते हैं वो उसके थोड़ी ना होते हैं। इसे ही पाल्टरिंग कहते हैं। अक्सर हम पाल्टरिंग का रास्ता तब अख्तियार करते हैं जब हम पूरी तरह झूठ बोलने से थोड़ा सा संकोच करते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप ये पाल्टरिंग वाल्टरिंग नहीं करते, आप तो बड़े सत्यवादी हैं। हरीशचंद्र, साइकोलॉजिस्ट बेला डी पाउलो ने एक रिसर्च में बता दिया है कि हम में से हर व्यक्ति दिन में कम से कम 2 बार झूठ जरूर बोलता है, और ये झूठ हमारी जिंदगी का इतना रेगुलर हिस्सा है कि कई दफे हमें पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं। जैसे कि हम किसी की शादी में गए और हमने कहा भाई साहब खाना बहुत अच्छा बना था, जबकि आप भी जानते हैं और मेजबान भी कि नान कच्ची रह गई थी। सिसिला बॉक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एथिक्स पढ़ाती हैं और वो कहती हैं कि ताकत या पावर हासिल करने के लिए झूठ बोलने से ज्यादा सेफ तरीका कोई नहीं है। मान लीजिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा, तो आप सीधे जाके बैंक नहीं लूटेंगे, आप झूठ का सहारा लेंगे। आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा मोटा झूठ बोलकर काम निकल जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम काम बन भी जाता है। नीरव मोदी का फोटो लग जाएगा। कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स, अगर हमें पता चल भी जाए कि हमारा नेता पाल्टरिंग कर रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके बावजूद हमारी मोहब्बत उसके प्रति कम नहीं होने वाली। रियान बाकर वेल्स में जर्नलिज्म पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हम इंसान दरअसल कन्फर्मेशन बायस के शिकार हैं, यानी हम वही बात पसंद करते हैं जो हमारी सोच की हाँ में हाँ मिलाए, फिर वो झूठ ही क्यों ना हो। शायद इसीलिए द इकोनॉमिस्ट में छपे एक आर्टिकल में कहा गया कि चुनाव में फीलिंग्स मैटर करती हैं, फैक्ट्स नहीं। और वैसे भी उम्मीद फाजली का एक शेर है कि आसमानों से अगर फरिश्ते उतर जाएं, वो भी इस दौर में सच बोले तो मर जाएं। क्या बात है। तो इस दौर में कितनी चम्मच सच और कितनी कटोरी झूठ से आपका काम चलेगा वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। जहाँ तक पॉलिटिशियंस की बात है तो एक रिसर्च कहती है कि आजकल लोग नेताओं से ज्यादा प्रॉपर्टी ब्रोकर्स पर भरोसा कर रहे हैं। मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी तो नहीं दिखा पाऊंगी, पर अच्छे वीडियोस के लिए जी न्यूज का फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूंगी कुछ और नॉनसेंस के साथ। नमस्ते। ठीक लग रही थी मैं? खबरदार जो सच बोला। अरे व्हाट नॉनसेंस।